हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं नेशनल और इंटरनेशनल पार्ट दोनों डाल चुकी हूँ मे अंक का। अब जो है इकोनॉमिक्स पार्ट का है, इकोनॉमिक्स के बाद फिर हम थोड़ा गेम्स लेकर आएंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स पार्ट को आज हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स पार्ट से भी हमारा बहुत आता है एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट। देखिए, फर्स्ट न्यूज है हमारी प्रतियोगिता दर्पण मे इकोनॉमिक रिव्यू है ये, और इसके साथ में ही हमारा ये जो है पूरे मार्च की पूरा रेशो होता है मार्च और अप्रैल का। तो देखिए, ये हमारी न्यूज है फर्स्ट न्यूज। 2019 और 20 की पहली तिमाही के लघु बचतों पर ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो पहले ब्याज दर थी वही है, जो पहले था अब भी वही है आपकी। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बचत खाते की अगर बात करें तो 4.0 है। अगर हम एक साल, दो साल और तीन साल की सावधि जमा की बात करते हैं, वो 7.0% है। 5 ईयर्स की सावधि जमा और रिंकलिंग की है 7.8 और 7.3%। 5 साल की जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है उसमें भी 8.7% है। अगर 5 मंथ की इनकम योजना के बारे में देखें तो 7.7% है। पीपीएफ की बात करें तो 8.0% ब्याज है। केवीपी की बात करें, यानी कि किसान विकास पत्र की बात करें तो 7.7%। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो 8.5% और एनएससी की बात करें तो 8.0%। यानी कि ये भी आपकी पहले भी ऐसी थी 2019 में, 2020 की, 2018 में भी यही थी और इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। नेक्स्ट है, डीमोनेटाइजेशन के पश्चात जीडीपी के परसेंट के रूप में करेंसी और नोटों का सर्कुलेशन घटा है। आप देख सकते हैं डीमोनेटाइजेशन जैसे कि 8 नवंबर 2016 को हुआ था, तब 1000 और 500 के नोट चलते थे और वो एकदम से बंद हो गए थे। तो जो टोटल थी करेंसी 15.31 लाख करोड़ जो है वो आरबीआई में सबमिट हुई है, जबकि जो करेंसी थी वो 19 पॉइंट समथिंग करोड़ थी, जिसमें से केवल 15.31 करोड़ ही वापस आया है। फिर भी जो जीटीपी के रूप में इसके अगर चलन नकदी की बात की जाए तो कम हुई है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट ज्यादा होने लगे हैं, यानी कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो ज्यादा हो रहा है। तो इसकी वजह से जो जीडीपी है पहले जो थी वो 11.55% थी 8 नवंबर 2016 को उस समय, बट 8 नवंबर 2018 को आफ्टर 2 ईयर्स देखिए 10.48% हो गई, जिसमें से 1% की कमी आ गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें जीडीपी के रूप में कमी आई। नेक्स्ट न्यूज देखिए, 2018 और 19 के पहले 11 मंथ में सरकार की जो वित्तीय प्राप्तियां हैं और व्यय हैं उनका लेखा जोखा एक जारी कर दिया गया है। तो हम ये बता दें कि टोटल जो करोड़ का इतना खर्च आया है वो 13,37,340 करोड़ का है, जिसमें से जो टोटल का 73.7% है। इसमें से अगर हम बात करें तो 12,65,778 करोड़ जो है राजस्व में गया, उसी का 10,93,923 टैक्स में चला गया और बाकी का नॉन टैक्स में आया है। 71,662 की अगर हम बात करें इसी रेशो में से तो वो गैर ऋण पूंजीगत है, यानी कोई भी टैक्स नहीं है। इसमें से 15,042 रुपये है वो रिकवरी ऑफ लोन से आई है, इनकी लोन पे जो रिकवरी हुई है उन पर आई है, और 56,620 डिसइन्वेस्टमेंट से आई है। तो ये आपका पूरा लक्ष्य 2019 तक प्राप्त करना था, जो कि हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज है देखिए, दिसंबर 2018 के लास्ट में दूरसंचार कनेक्शन में वृद्धि हुई है, जो ये टेलीफोन लाइन से वो ज्यादा लगे हैं। फिर भी हमारी जो टैली टेंडेंसी है उसमें गिरावट आई है। पहले बता दें कि टोटल जो थी पहले 11,90.67 थी, बट अब की क्या वृद्धि हुई है, 0.60% की वृद्धि हो चुकी है, और जो अब है इसका पूरा रेशो वो 1,197.87% है। फिर भी टेंडेंसी जो गिरावट है वो तो गिरी हुई है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे चलते हैं। देखिए, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का जो थर्ड स्थान हो चुका है, यानी कि तीसरे नंबर पर भारत बिजली उत्पादन में बन गया है, जिसमें कुल उत्पादन क्षमता जो है वो 3.5 लाख मेगावाट से अधिक हो गई है। तो देखिए, किस किस एरिया में है तापीय विद्युत की अगर हम बात करें तो 2,22,927 जो कि 63.7 है टोटल की। कोयले की इसी में चीजें आती है हमारी, ये चार चीजें आती है, जिसमें से कोयले की अगर हम बात करें तो 1,91,093 है इसका परसेंट, और जो कि 54.6% है इसका पूरा। अगर हम लिग्नाइट बेस्ड तापीय विद्युत की बात करें तो 6,260 है जो कि 1.8% है। गैस की बेस की अगर हम विद्युत उत्पादन की बात करें तो 24,937 है जो कि 7.51% है, और अगर हम ऑयल बेस्ड तापय विद्युत की बात करें तो 638 है जो कि 0.2% है। ये तो पूरा तापय विद्युत था, यानी कि ये वाला तापय विद्युत था।
अब हम अगर वाटर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें यानी कि जल विद्युत की बात करें तो 45,399 जो कि टोटल का 13% है ये उत्पादन हुआ है। अगर हम नाभिकी की बात करें यानी कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, आप देख सकते हैं थर्मल तो ये हो गई, वाटर ये हो गई, अगर न्यूक्लियर की हम बात करें तो 6,780 है जो कि टोटल की 1.9% है। यानी कि तरीके से हम कह सकते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा रेशो है। नवीनीकरण की अगर हम बात करें तो वो 74,082 है जो कि 21.2% यानी कि टोटल हम देख सकते हैं टोटल जो हमारी 3.5 लाख के लगभग बनी है जो कि 100% इसका मेगावाट उत्पादन करती है। नेक्स्ट न्यूज है, देखिए 2 महीने के भीतर जो है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSP दर, इनमें 0.0025% की कटौती की गई है। इस कटौती के कारण क्या क्या अब रेशोज रह गए हैं देख सकते हैं आप। रेपो रेट जो है वो 6% है, नगद आरक्षण रेशो जो है 4% है, रिवर्स रेपो रेट जो वैल्यू है 5.75% है, सबसे अधिक सर्वाधिक तरलता रेशो जो है वो 19% है, बैंक रेट अगर बात करें तो 6.25% रेट देता है, और अगर हम सीमांत स्थायी सुविधा रेट की बात करें यानी कि जमीनों की बात करें तो वो 6.25% देता है। ये कटौती जब तक होगी जब तक कि ये टोटल 18.0% ना रह जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इसकी जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो हर 2-2 महीने में होती है यानी कि पूरे साल में 6 बार रिपोर्ट जनरेट होती है। 1 अप्रैल 2019 को 19% हो गई थी और 1 जुलाई 18.75% रहेगी और तब तक रहेगी जब तक ये 18.0 ना हो जाए। लास्ट न्यूज और बहुत अच्छी न्यूज, वर्ल्ड की रिचेस्ट पर्सन में एक बार फिर मुकेश अंबानी का नाम आया है। उन्होंने पहली वाली पोजीशन फिर से बरकरार रखी हुई है मुकेश अंबानी जी ने। अजीज प्रेम जी जो विप्रो के चेयरमैन है उन्होंने भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी है और नंबर 1 पर अमेजन के जेफ बेजोस जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर आए हैं। सेकंड पोजीशन बनाई है बिल गेट्स ने और थर्ड वॉरेन बफेट ने बनाई है जो कि वर्कशायर के CEO है। तो आज की न्यूज आपको पसंद आई होगी, आई होप। वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो हमारा मोटिवेशन बना रहता है। तो फिर हम अपने स्पोर्ट्स की न्यूज के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।